नमस्कार, मैं हूं जयचंद प्रसाद, बूथ रिपोर्टर लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गुण दिल्ली तक। साथियों, इस वक्त मैं जनपद सोनभद्र के विकास खंड मेहरपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत महुली में मौजूद हूं। और जैसा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर गरीबों के लिए तमाम योजनाओं का संचालन किया जाता है, इसी कड़ी में जैसा कि शासन के द्वारा गरीब आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूह गरीब आजीविका मिशन संचालित किया जाता है, जिसमें महिलाओं का 10 से 15 का समूह होता है और एक से ज़्यादा समूह होने पर गांव में एक समूह सखी का नियुक्ति होती है। और जैसा कि यहां पर तमाम भीड़ है, महुली ग्राम पंचायत के लोग, यहां के तमाम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित हैं और उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर समूह सखी के द्वारा भारी घोटाला किया गया है और इन्होंने तहसील दिवस में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को एक पत्रक भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी दिया है। आइए हम यहाँ के ग्रामीणों से जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार सिंह है। क्या मामला है? मैं पार्टी का बूथ अध्यक्ष भाजपा का भी हूँ जी। और यहाँ जो स्वयं सहायता समूह चल रहा है उसमें उनके जो अधिकारी हैं BMM और ADO ISB उनके द्वारा, क्या नाम है उनका, BMM का? BMM जो है कि रवि सर हैं और ADO ISB संतोष सत्येश राज जी। अच्छा, ये महिलाओं को जब दिक्कत होने लगा समूह चलाने में, सचिव के द्वारा समूह जो चलाने में धांधली किया जा रहा है, तो इन्होंने हमसे संपर्क किया। हमने तहसील दिवस और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के लिए कहा, शिकायत का जो है कि वो भी आया कि यहाँ से ब्लॉक स्तर पे जांच किया जाए, तो ब्लॉक स्तर के अधिकारी जो है कि ऊपर से ही उसको पिछले बैठक का वो दिखाते हुए। कब दिए हैं सर जी आप एप्लीकेशन? नवा महीना में दिए हैं, नवंबर में। अच्छा, अक्टूबर नहीं, सितंबर में दिया। हाँ, सितंबर में। हाँ, सितंबर में दिया गया था। तो अधिकारी लोग जो है कि ऊपर ऐसे वहीं बला कैसे पिछले बैठक का संस्तुति दिखाते हुए उसको रफा दफा कर दिए कि सब सही है। इसके बाद फिर लोग जो है कि ब्लॉक पर गए, प्रमुख जी को दिया, हमारे माध्यम से BDO को दिया गया, फिर मुख्यमंत्री पोर्टल पर किया गया और तहसील दिवस में भी दिया गया। सारे मामला का निस्तारण जो है कि ब्लॉक स्तर पर लंबित रखा गया है, जो कि महिला, गरीब महिलाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ऐसा नहीं होता है, ना तो होना चाहिए। तो क्या जैसे कि जैसे आप एप्लीकेशन दिए तो जांच में यहाँ गांव में कोई आए, कोई अधिकारी? पिछले बार जो दिया गया था तो उस बार आए थे, आकर के जो है कि अधिकारी लोग ये बोले थे कि ठीक है, कोटा का संचालन सही ढंग से हो, पब्लिक को दिक्कत ना हो, तो आप लोग मिलजुल करके घर की हैं तो चलाइए और हर समूह सखी के यहाँ बैठक होना चाहिए। हम खुद आकर के, जो BMM है रवि सर, वो खुद आकर के मैं इस समस्या का निदान करा दूंगा। और आज तक निदान नहीं हुआ। इसके बाद जो है कि बिना समूह के बैठक के समूह के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और चार अन्य महिलाओं का नाम काटते हुए 6 अन्य महिलाओं को उसमें जोड़ करके बैंक को कागज आ गया है कि इन महिलाओं से खाता का संचालन किया जाए और कोटे का संचालन किया। मैंने ब्लॉक के जो समूह के अधिकारी हैं, BMM रवि कुमार और क्या सहायक अधिकारी संतोष कुमार राय, इनके द्वारा ब्लॉक पर बैठे बैठे इनका नाम चेंज किया गया जी। मौके पर यहाँ बैठक नहीं किया गया, बैठक नहीं किया महिलाओं के बीच में जी। ठीक है, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम ईश्वर लाल है। क्या समस्या आ रही है? समस्या सर, हमारे ग्राम पंचायत में बहुत महिलाओं के लिए उनको नाम काटा गया है। हमारे जो यहाँ समूह सखी है वो अपने मनमानी ढंग से काम करती है, ना अपने संसदों को बातचीत करती है, ना उनसे कुछ आवागमन करती है। समूह सखी का क्या नाम है? समूह सखी का नाम है कुसुम देवी वाइफ रामचरण। तो क्या है, मतलब कुसुम देवी क्या कर रही है, क्या समस्या आ रही है उनके द्वारा? कुसुम देवी जो उनके सदस्य हैं 15, उनको मतलब लेख नहीं चलती है, मनमानी काम कर रही है वो। मनमानी के तौर पर क्या मनमानी करती है? मनमानी सर, देखिए कि जैसे इनका मान लीजिए कि हर सप्ताह मतलब मीटिंग होता है, वो मीटिंग मनमानी अपने से ये लोग बुलाती हैं, अध्यक्ष को कोषाध्यक्ष ये नहीं करती है, वो अपने हिसाब से काम करती है। कोटा का संचालन कुसुम देवी करती हैं जी सर। तो उसमें क्या समस्या आ रही है? समस्या उसमें ये आ रही है सर कि वो समस्या में सर देखिए, वही मनमानी अपने से काम कर रही है इधर उधर,
अंगूठा भी सर घर लगाती है, यहाँ नहीं लगाती है। जहाँ गल्ला दुकान है वहाँ लाभार्थियों का, राशन कार्ड धारकों का अंगूठा नहीं लगाया जाता है? जी सर, अपने घर पे लगाती है। अच्छा, राशन वितरण में कोई धांधली? राशन वितरण में भी इसमें कुछ कटौती भी कर दे रही है। कितना कटौती बता रहा? कटौती मान लीजिए 5 किलो कर दे रही है। जैसे कोई सियाना गए तो वहाँ बता दिए 3 यूनिट है तो उसको 2 यूनिट दे रही है। हम लोग ऐसा पकड़े भी हैं, अंतोदय कार्ड में भी है ऐसा। तो तहसील दिवस में और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी आप लोगों ने शिकायत किया है? सर हम तो शिकायत तो किए हैं सर, हमारे साथ साहब हैं। जांच कमेटी यहाँ आई है, शिकायत के बाद कोई जांच हुआ है? जांच कमेटी सर इसमें नहीं आई है, ऊपर से अपने से जांच करके सर दिखा दे रहे हैं। ठीक, आइए हम कुछ महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं। चाची जी, क्या नाम हुआ आपका बताइए? कुसुम देवी। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हम लोग का नाम काट दिया है सचिव बगैर पूछे जाने बैठक में, और फिर नहीं आनी। हमरे अपन बैठक करत थी अध्यक्ष मिलकर पूरे सदस्य के लेकर, और सचिव कभी अभी जो नहीं करती है। सचिव कुसुम देवी हैं? कुसुम देवी रामचरण। अच्छा अच्छा, जो कोटा चलाती है? कोटा चलाती है। वो नहीं आती? नहीं आती है। अच्छा, हाँ हमारे अपन पैसा भर पैसा भरत थी, हमारे इनकी पता नहीं था, हम पैसा भर रही थी और मनमानी पता नहीं कब नाम काटते। तो हमारे कोषाध्यक्ष को अध्यक्ष का और सदस्य बिना बैठक के नाम आप लोगों का कट गया? बिना बैठक का नाम कट गया। उसी के लिए हमारी दिक्कत है कि हमारा नाम संगम समूह में जोड़ना चाहिए। अच्छा, आपका नाम कट गया? हमारा नाम कट गया है, और सदस्य का और कोषाध्यक्ष का अध्यक्ष हमारे का नाम यही संगम में रहा चाहिए। मैंने बिना बैठक के आप लोगों का नाम काट दिए? बिना बैठक का, हमको पता नहीं। तो इसके संबंध में आपने कहीं प्रार्थना पत्र दिया है? बहुत जगह दियाल दियाल वीडियो की बला प्रमुख की दिवस में भी दिया गया है। अच्छा, निर्णय भी कुछ नहीं होला, हम का निर्णय हो चाहिए या संगम समूह मिलक चाहिए, हम का नाम जोड़क चाहिए। तो मौके पर यहाँ अधिकारी आते हैं जब आप लोग एप्लीकेशन देते हैं? तो एक बार आए थे, अभी कल आए थे। अच्छा, अच्छा कल पत्रकार आए थे। अच्छा, अधिकारी नहीं आया? अधिकारी नहीं आया जांच में। वही ब्लॉक से काट देते हैं नाम आप लोगों का? जी सर। अच्छा चलिए, आप बताइए थोड़ा नाम बताइए अपना। मेरा नाम रीना देवी। हाँ, ग्राम मोहली के हैं सर। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये है सर कि हम लोग संगम आजीविका महिला समूह का सदस्य हैं। हम लोग अपने समूह में काम 3 साल से कर रहे हैं, और उसके साथ पैसा भी बढ़ रहे थे। साल भर ठीक हम लोग का समूह चल रहा था। समूह जब समूह में हम लोग की कोटा आया तो हम लोग उसके साथ 2 साल से काम किए। 2 साल काम करते करते इतना दिन हो गया, तो हम लोग उससे बोलने लगे कि अब इतना दिन हो गया तो कुछ उसमें लाभांश आता होगा, तो हम लोग की भी कुछ बताओ दिखाओ। तो वो कहती थी कि नहीं, हम तुम लोग की नहीं देंगे, जो करना हो जाओ करो। कौन ऐसा बोला? कुसुम देवी बोली। अच्छा, जो कोटेदार है? जो कोटेदार है। तो हम लोग कहे कि भाई क्यों नहीं दोगी हम लोग की? तो कहीं नहीं, हम नहीं देंगे, जाओ तुम लोग की जिसके अधिकारी के पास जाना हो वहाँ चले जाओ। तो हम लोग गए अधिकारी के पास, गए ब्लॉक पे, गए यहाँ गए, हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं है सर। तो हम लोग कहे कि अब नहीं होगा तो भाई हम लोग उसमें तो जबरदस्ती कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग कहे कि हम लोग तो समूह छोड़ेंगे नहीं, कोटा भला ही छूट जाएगा। तब वो बोली कि ठीक है तुम लोग कखन नहीं जब रहोगी तो रहो तुम लोग उधर। तो हम लोग यहाँ जब अपना हम लोग बचत कर रहे हैं, या कुसुम देवी आ नहीं रही है, तो हम लोग अपना बचत कर रहे हैं। अब वहाँ हम लोग पंचायत भवन पे एक बार मीटिंग था, तो हम लोग वहाँ गए थे पंचायत भवन पे। पंचायत भवन रवि सर लोग वहाँ आए थे, रवि सर वहाँ आए तो बोले कि ठीक है आप लोग आपस में मिलजुल कर रहिए, हम आ रहे हैं आप लोग की मीटिंग में। सुख को हम लोग का मीटिंग होता है, तो हम लोग आ रहे हैं सुख की, आप लोग का जो जितना अगर आए
ये पैसा रुपया जो होगा लेन देन हुआ होगा उतना आप लोग की सब हम दिखाएंगे, एस्टीमेट लिखवाएंगे, पासबुक दिखवाएंगे। तो हम लोग सर उसको जो जो कर हम लोग आज दो महीने से बैठे हैं, अभी तक नहीं आया। माने आपके साथ मीटिंग नहीं किया, अच्छा मनमानी तौर पर काम किया। हाँ, अब हम लोग अपना कोषाध्यक्ष अध्यक्ष सदस्य हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, और वो अपना तो दूसरा नाम हम लोग का नाम काट कर छह जन का अपना नाम उधर से कटवा कर जोड़वा ली है ब्लॉक पे जाके। जो नाम कटा है इसके संबंध में आप एप्लीकेशन दिए हैं कहीं? जी, कहाँ दिए हैं? दुधीगढ़ तहसील में दिए सर, फिर ब्लॉक में दिए, ब्लॉक प्रमुख को दिए, तो वीडियो के दिए। लेकिन जांच में कोई आए? कोई नहीं आया अभी तक। बिना जांच की रिपोर्ट लगा है? जी, बिना जांच की रिपोर्ट लगा है। हम लोग उसी को जो बैठेंगे अफसर आएंगे तो हम लोग का कुछ निस्तारण करेंगे कि क्यों नाम कट गया। तो लेकिन कोई आया नहीं? कोई नहीं आया सर। अच्छा, हम लोग इतना दिन से वो जो रहे हैं कि ब्लॉक पे दिए हैं, तक अब तक आएंगे कोई हम लोग का निस्तार करें, लेकिन कोई नहीं आया। तो हम लोग उसी को जो जो के बैठे हैं, या हम लोग का ऊपर से नाम कट गया। हम लोग की बैंक में जाने से पता चला कि आप लोग का नाम कट गया, बिना बैठक के, बिना सूचना के, बिना सहमति के नाम कट गया। हाँ, बिना सहमति का नाम कट गया सर। आगे का हम लोग का साइन दिखा के जो पहले था उसी को दिखा के हम लोग का नाम कट गया है। पहले कैसा साइन की थी? हम लोग पहले ऐसे साइन किए थे सर कि वो आती थी पहले मीटिंग में, तो बोलती थी कि चलिए साइन कीजिए, साइन करके तो हम लोग सोचे उस पर मुख चर्चा लिखिए। सादा पेपर था सर। अच्छा, सादा पेपर? हाँ, सादा पेपर पे। तो उनका पति भी बोलते थे कि नहीं लिखिए, हम लोग की ब्लॉक जाना है, मीटिंग में जाना है। तो हम लोग वो अपने पेपर कर दिए विश्वास पे कि दिन हम लोग हैं साथ में तो क्या होगा, तो हम लोग कर दिए साइन। अब उस पर कुछ नहीं लिखा था, न कुछ पैसा लिखाने के लिखा था, ना कुछ लिखा था उस पर, कुछ नहीं था कि खाली सादा पेपर था। सादे पर आपसे हस्ताक्षर करा के मनमाने तौर पर भर ली? जी, भर ली है, उस पर कुछ लिखा नहीं था। उसी को दिखा कर ब्लॉक में यहाँ से सब लगा दे रही है कि ये अपना साइन करके दे दी है कि हम लोग समूह में नहीं रहना चाहते हैं। और सर, हम लोग समूह छोड़ना नहीं चाहते, हम लोग समूह में रहना चाहते हैं। इतना दिन हम लोग 3 साल से जब समूह में है, तो आज क्यों हम लोग समूह छोड़ेंगे? कितने महिलाओं का समूह है आपका? हम लोग का 15 का समूह था सर, एक मृत्यु हो गई है सुदामा देवी, हम लोग का 14 का समूह है। अच्छा, अच्छा। अब जैसे 3 साल हो गया, आप लोगों को कोई लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला सर। सरकारी जो आया था, पहले आया था 1500 में दरी बक्सा लिया गया है, और फिर 15,000 आया था, तो हम लोग 1,000 ये सब मतलब बांटे थे, 1,000। फिर आया था 1,10,000। 1,10,000 में एक बार वो पैसा निकाल ली थी, तो फिर वही जाने पर अभी इसमें क्या कहते हैं बैंक पर पता चला कि पैसा निकल गया है। फिर हम लोग बैंक का उसे एस्टीमेट मांगने लगे कि दिखा, तो वो बोले कि नहीं, हम नहीं तुम लोग की दिखाऊंगी, जब वहाँ जाओ, वहाँ ब्लॉक पे जाएंगे तब सर लोग बोलेंगे तब दिखाएंगे। तो हम लोग वहाँ रवि सर के पास फोन किए, तो रवि सर बोले ठीक, सुबह फोन किया 7 बजे, तो रवि सर बोले कि ठीक है, एक प्रति लिख कर हमारे पास दीजिए, एक प्रति थाने दे दीजिए। तो फिर हम लोग 10 बजे फोन लगा के अब जाएंगे, हम लोग 10 बजे फिर वहाँ ब्लॉक पे जाएंगे वहाँ देने, और तो थाने में जाएंगे। तो रवि सर बोले कि जब तुम लोग तुमको समझदारी नहीं है ना, तो आप पैसा अपना ले लो, निकल सकती हो तुम, निकल जाओ। तो हम बोले क्यों सर, हम लोग इतना दिन से हाँ आज पैसा निकल गया, तो हम लोग अपना पैसा ले लिया, निकल जाए। कहा कि ज्यादा घमंडी दिखा रही हो। अच्छा, आपके साथ रवि सर तो ही नहीं भी? हाँ, गुस्से में पैसा। हाँ, उसमें रवि सर हमसे बोले सर, तो हम रवि सर से हम बात किए, तो रवि सर हमसे बोलने लगे कि अपना पैसा ले लो, तुम निकल जाओ, और ज्यादा तुम जानती हो तो सबका पैसा ले लो, चली जाओ बैंक में और पैसा धरवा दो। बताइए, हमारे पास कुछ रहेगा तब हम धरवाएंगे, उसमें का सदस्य है, हम अध्यक्ष कोषा अध्यक्ष जाता सचिव उसमें का है नहीं, हम जाकर धरवा देंगे। तो बोले होते कि सचिव के लेकर आप चली जाओ, तुम जानती हो, तो हम इसको भी करा देते। तो जब पता चलने पर हम लोग बताए रवि सर को कुछ तो करना चाहिए, इतना बता रहे हैं, तो बोल दिए कि अपना पैसा ले लो, तुम निकल जाओ। वो जांच नहीं किए, ऐसे बोले? हाँ, ऐसे बोल, वो अपने ब्लॉक पे थे, कहाँ थे हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग 7 बजे फोन किए थे, फिर 10 बजे किए, तो रवि सर हमको डांटने लगे कि तुम लोग साइन नहीं करती हो, ये नहीं करती हो, तुम लोग जेल चली जाओ। अच्छा, जेल जाने के लिए? हाँ, जेल जाने के लिए हम लोग की धमकी दिए सर। तो हम लोग बताइए अनपढ़ महिला है, तो हम लोग डर के मारे दस्तखत कर दिए कि भाई जेल चले जाएंगे।
तो हम लोग दस्तखत कर दिया, उसी दस्तखत को देखा कर आज हम लोग का नाम कटा दिया। तो नाम कट गया, आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिला? कुछ लाभ नहीं मिला है सर, वही 1,10,000 आया था, हम लोग उसी में से 5,000 15 झेल लिए हैं, या वो लोग भर दिए हैं या वो लोग नहीं भरी हैं। तो जब से फिर इसमें ये हो गया, झगड़ा हो रहा है उसे सचिव से, तब से वो पैसा भी जमा नहीं कराने आ रहे हैं, ना पैसा भरने आ रहे हैं, तो बताइए हम लोग कैसे भरेंगे? मीटिंग हो ही नहीं रहा, मीटिंग हो ही नहीं रहा। ठीक जी सर, क्या नाम हुआ चाची जी आपका? बताइए, आप समूह की कोषाध्यक्ष हैं, बताइए क्या मामला है? मामला यह है कि जब तक पैसा भरा रहा है, जब तक पैसा भरत रही हम लोग, तो भाई भरत रही तो भाई ठीक रहा, और तब कोटा आ गल, तो भाई कोटा में ना हमरे जब ले कोटा रहा तब ले हमरे ओकरे पाछे भाई है अब बाटे थी, तो कुछ नहीं हमन की ना कुछ नहीं ना दे, तो हमरे कही भाई इतना दिन हो गल, तो भाई हम रहू कही कि भाई हम रहू की कुछ लाभ आवत हो जौन कमीशन हम रहू की दे, कह कि तोहर की तो ना दे कमीशन ऐसे, हमरे कही भाई हमरे तोरे पाछे हमरे कैसे वैसे ही बैठ ऐसे, कह कि भाई तोहरन की हम कुछ ना दे ऐसे, तो हमरे कही भाई हम की सीमेंट देखा, हमरे भाई कुछ ना थे भाई ना मांग ऐसे, तो कह कि सीमेंट ना देखा पासबुक हम जैसे वही बक्सम बा, वही सब कुछ नहीं ना हमन थे। माने कुसुम देवी के द्वारा समूह के और अन्य महिलाओं को कोई लेखा जोखा हिसाब किताब नहीं दिया? नहीं ना दे, तो हमरे कहे भाई सीमेंट देखा, तो भाई रवि सर हुए है ना, तो भाई कहा कि मीटिंग में तो सीमेंट कहा कि हम सुख की दिन आएंगे, तो भाई सब की हमरे उसको नीला कर देंगे, तो भाई नीला कर कर तो सब लोग तब तब तक बांटो, तो बांटो सब लोग ले भाई कहे वही ले, अब रवि सर आयला नहीं खा, रवि सर नहीं आए, नहीं आए तो वही ले हमरे भाई अब मीटिंग करे औती नहीं खा, तो भाई नहीं ना आ तब हमरे पैसा जमा कर थी, तो हमरे के चोरी चोरी नाम काट दी। अच्छा। हाँ हमरे सुन ली कि भाई चोरी चोरी नाम काट दे, भाई हमरे गयी तहसील दिवस में ब्लॉक में गयी, भाई हमारे कुछ सुनाइए नहीं ना, तहसील दिवस में गई और ब्लॉक में गई तो कोई सुनवाई नहीं, कुछ सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी यहाँ जांच में नहीं आया, कुछ नहीं आया अभी तक नहीं आया। अच्छा अच्छा, तो भाई हमारा का कोटा ये कार दे, जब हमारे का नाम कार दे तो हमरे वो कैसे हमारे का नाम हमरे वही में पैसा भरब कर, हमरे अपन संगम समूह में हमारे का नाम रह चाहिए, हमरे छोड़ब ना। ठीक हाँ जरा ओ जैसा कि आप लोग जिलाधिकारी महोदय को तहसील दिवस के माध्यम से रिपोर्ट दिया है और 1/10/2022 को आदेश आया है अधिकारी को जांच करने के लिए, तो आई पत्रक के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपका पत्रांग बोल रहा है, तो इसमें आदेश हुआ है वो संतोष कुमार राय जी को सहायक विकास अधिकारी को और रवि कुमार BMM जी को, तो इसमें से रीता देवी कौन है? रीता देवी। हाँ। आप ये बताइए कि जांच करने गांव में आए थे अधिकारी? हाँ एक बार आए थे पहले, तो पहले 1/10 के बाद माने पिछले महीने के बाद आए हैं क्या? नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। इसमें आपका दिखाया गया है जांच में कि इनका हस्ताक्षर सही पाया गया, तो क्या आपने हस्ताक्षर किया है उनकी सहमति के लिए? आपने हस्ताक्षर किया है? नहीं किए। चलिए ठीक है, मानमती कौन है? जैसा कि ये जांच आख्या है जिलाधिकारी महोदय जी का, अधिकारी जो प्रेषित किए हैं उसमें जांच मिला है संतोष कुमार राय सहायक विकास अधिकारी ब्लॉक नवरपुर और रवि कुमार BMM जो समूह के अधिकारी होते हैं उसमें नामित किया गया है इनको, तो इसमें से रीता देवी बसंती नागेश्वरी कौन कौन है मान मत है, तो इन्होंने और रीना देवी रेखा देवी कौन है? अच्छा आप लोग हमको ये बताइए कि इन्होंने ये लिखा है कि गांव में आए और जांच किए और आप लोगों का हस्ताक्षर सही पाएगा, क्या आप लोग जांच में आपके अधिकारी जांच में आए थे? नहीं आए, माने ये फर्जी आदेश है, बिना आए हुए उन्होंने रिपोर्ट लगा दिया, आपका हस्ताक्षर सही पाया गया? नहीं सर, हम लोग हस्ताक्षर नहीं किए, नहीं किए, यही हम जानना चाहते।
लोग ये बताइए कि जैसा कि आप लोग कुसुम देवी के खिलाफ तहसील दिवस में मुख्यमंत्री पोर्टल में ब्लॉक पर और अन्य जगह पर शिकायत की है, तो कुसुम देवी को कोटेदार रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। तो क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग कोटा हटवाना चाहते हैं, समूह चाहते हैं सर, कोटा हटवाना चाहते हैं। कोटा हटवाना चाहते हैं? नहीं रहना सचिव भी ना रहे, हमारे समूह में वो नहीं रहते, बैठक करा के सचिव दूसरा चयन किया जाए सर। हाँ हाँ, यही चाह रहे। उनके कार्यों से आप लोग संतुष्ट नहीं? नहीं 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 है सर। हाँ हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं कुसुम देवी के? हम लोग क्या चाहते हैं सर कि हम लोग जब उसके साथ इतना दिन काम किया है, काम किया है सर, तो हम लोग की जो आया था लाभांश उसमें से मिलना चाहिए सर। कितना लाभांश लगभग आया था? अब हम लोग खाते में अपना पूरा रखी है पासबुक आई, तो वही बताए कितना आया होगा, हम लोग की पता नहीं है कितना आया। हम लोग मिलना चाहिए, सर से बंटवाए हमको कुछ नहीं मिला, हमको मिलना चाहिए। हम लोग का नाम कटा है सर, उसमें जुड़ना चाहिए। दो तीन साल से जो लाभ आया वो नहीं मिला है, और आप लोगों का समूह में नाम जुड़ना चाहिए, संगमा समूह में नाम जुड़ना चाहिए। सचिव को हटाना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं हटाने का? सब लोग चाहते हैं। अच्छा, सहमति नहीं है आपका? नहीं सहमति नहीं है। हम लोग समझते नहीं है, हम नहीं चाहते रहते हैं, हम लोग उस पर सहमत नहीं है। हाँ हाँ, नहीं ठीक। आइए हम यहाँ के ग्रामीणों से भी कुछ बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोटेलाल है। तो यहाँ जो कुसुम देवी है कोटेदार है समूह की, समूह सखी भी, तो इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? उसके संबंध में ये कहेंगे कि जो बच्चों का गर्भवती और धात्री का जो गल्ला आता है वो लाने के अपने घर पहले एक महीना दो महीना रखने के बाद इसके बाद केंद्र पे गल्ला गिराती है, कुछ सड़ जाता है, कुछ गल जाता है, सही मतलब समय से समय के अनुकूल गिराती है, समय से नहीं गिराती है। तो कभी सड़ा हुआ सामान मिला आप लोग? मिला है। कब मिला है? अरे ग्राम प्रधान को दिखाया गया है। अच्छा, इससे पिछले वाला जो बटा है गल्ला उसमें सड़ा गला मिला था। नहीं बढ़ने वाले इस आंगनबाड़ी के यहाँ तारा टोपो के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक कितना है? सेकंड तारा टोपो के यहाँ सड़ा हुआ सामान मिला था। अच्छा, क्या सभी लाभार्थियों को मिल जाता है कि नहीं मिलता है? सबको नहीं मिल पाता है, कुछ हमारे यहाँ सरकारी बस्ती है। अच्छा अच्छा, जो कि चले जाते हैं तो उन लोगों को नहीं मिल पाता है, और आने के बाद वो लोग मांगते भी हैं तो नहीं मिलता है। बोला जाता है खत्म हो गया है, हो गया, ऐसे बोलते हैं सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मोहन कुमार है। बोलिए क्या बोल रहे थे सर? यही समूह के विषय में, हम तो समूह में नहीं है सर, लेकिन समूह वाले से देखने में लगता है कि कोटेदारी ठीक से नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा। और दूसरी बात सर की जो है कि अंगूठा अपने घर में लगवा जाता है, गांव वाले कहते हैं हमारे घर आकर लगाओ करो, और जहाँ कोटा बिल्कुल होता है वहाँ पे नहीं लगाते हैं। अच्छा, कितना दूर है उनका घर? हाँ सर, ये हमारे घर से डेढ़ किलोमीटर के आसपास दूर जाना पड़ता है, कोटे से एक किलोमीटर दूर जाकर के अंगूठा लगाना पड़ता है उसके घर। अच्छा अच्छा, यही है उसका सर, हम कोटे पे नहीं लगा रहे हैं। तो समय से गल्ला मिलता है? नहीं समय से सर, इस समय तो भाई हम लोग कुछ लोग पाते हैं, कुछ लोग नहीं पाते हैं, तो लोग खिलाते हैं, यही सब हो रहा है सर, यही बात है। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं कि यह सोनभद्र का विकास खंड मेवतपुर के अंतर्गत अति पिछड़ा क्षेत्र ग्राम पंचायत महुली है, और यहाँ पर आदिवासी एससी एसटी के लोगों का बाहुल्य ग्राम पंचायत है, गरीब तबके के लोगों का निवास है, और यहाँ पर कोटेदार कुसुम देवी जो कि समूह सखी हैं, समूह से संबंधित हैं, जैसा कि सरकार के द्वारा गरीबों को लाभान्वित करने के लिए समूह बनाया गया है, गरीब आजीविका समूह, और यहाँ पर देखने को मिला कि यहाँ जो समूह की सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, उनको मनमानी तौर पर निकाल दिया गया है, और दो साल तीन साल से इनको जो सरकार का जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और लोगों ने बताया, ग्रामीणों ने, कि आंगनबाड़ी में भी जो खाद्यान्न आता है वो भी समय से नहीं मिलता है, सड़ जाता है तब मिलता है, और अंगूठा लगाने के लिए एक किलोमीटर दो किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, सामान अपने घर पर रखती हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इनके इनका जो शासन का योजना का लाभ है इनको नहीं मिल पा रहा है, और ये इन्होंने गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पोर्टल और जिलाधिकारी महोदय जी को तहसील दिवस के माध्यम से अप्लीकेशन भी दिए हैं, लेकिन यहाँ के जो ब्लॉक के अधिकारी हैं संतोष कुमार राय और रवि कुमार जो बी एम एम है समूह के जो अधिकारी होते हैं
उनके द्वारा बिना गांव में आए हुए जांच रिपोर्ट लगा दिया गया और इन महिलाओं को पद से और समूह से हटा दिया गया है बिना जांच किए। तो साथियों आप देख पा रहे हैं कि इनके द्वारा जो यहां के कोटेदार हैं अधिकारियों की मिलीभगत से काफ़ी घोटाला किया गया है और जनहित में इनके साथ न्याय हो, इसी के साथ मेरे साथ आगे भी बने रहें और देखते रहें लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया गाँव की गुण दिल्ली तक।